क्वालिटेड, कलरफुल, महंगी ब्रांडेड लिपस्टिक क्यों ना लगा लें, लेकिन जब तक आपके लिप्स सॉफ्ट, सप्पल और अनक्रैक्ड नहीं होंगे, आपके लिपस्टिक सूट नहीं करने वाली। अगर आपके लिप्स फ्लेकी हैं, स्किन पील होती रहती है, डिस्कलरेशन है, यानी होंठों का रंग कहीं जगह से ब्लैक है और कहीं से लाइट है, और हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके लिप्स बहुत ज्यादा डार्क हैं, ब्लैक हैं, तो इन सब का सोल्यूशन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इस ट्रीटमेंट के बाद आपके होंठ होंगे पिंकिश, नेचुरल बेबी पिंक, इतनी सॉफ्ट कि सस्ती से सस्ती लिपस्टिक भी सूट करेगी। तो चलिए चलते हैं। वेलकम बैक, शुमाइला इज हियर। तो स्क्रबिंग हमारा फर्स्ट स्टेप है ट्रीटमेंट का। ये बनाने के लिए हमें चाहिए एक बाउल, देन हम उसमें ऐड करेंगे कॉफ़ी। ज़रूरी नहीं है कि आप यही कॉफ़ी यूज़ करें, जो आपको इजीली अवेलेबल हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं 4 चाय के चमचे कॉफ़ी इसमें यूज़ कर रही हूँ। अगर आपने क्वांटिटी स्क्रब की ज़्यादा बनानी है तो आप 4 से 6 भी कर सकती हैं, 8 भी कर सकती हैं, अगर कम तो आप 2 भी इसमें यूज़ कर सकती हैं। देन मैं इसमें डालूंगी चंद कतरे लीमू के। अगर आपके होंठ फटे हुए हैं तो आप इसे स्किप करके इसमें रोज वाटर डालें। देन इसमें डालूंगी बादाम का तेल 1 चाय का चम्मच। तो सबसे आखिर में मैं इसमें डालूंगी 1.5 खाने का चम्मच शहद। स्किन के मॉइस्चराइजिंग के लिए, रिपेयर के लिए शहद बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर है। ये हमारी स्किन को रिपेयर करता है, सेल्स को और ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है। देन हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 खाने का चम्मच शहद और तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस बात का ख्याल रहे कि कॉफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाए, इतना हमने इनको मिक्स करना है। तो ये देखिए हमारा अच्छा सा मिक्स हो गया। तो इसे किसी कंटेनर में या किसी क्रीम की खाली हुई साफ डब्बी में आप इसे डालकर सेव कर सकते हैं 1-2 हफ्ते के लिए। ये हमारा स्क्रब है फाइनली तैयार हो चुका है। आपने इसे यूज़ करना है फिंगर टिप्स की मदद से, अपने लिप्स पे सर्कुलर मोशन में इसे मसाज करना है और 5 मिनट के बाद आपने वॉश आउट कर देना है या किसी टिश्यू वाइप की मदद से आपने इसे उतार लेना है। तो हमारा सेकेंड स्टेप है लिप मास्क। उसमें मैं यूज़ करने वाली हूँ फ्रेश कोकोनट। तो आज की रेमेडी में मैं इसका मिल्क यूज़ करने वाली हूँ। तो इसका मिल्क हम कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बताऊंगी, जिसमें हमें सबसे पहले चाहिए एक ग्राइंडर। तो उसमें हम कोकोनट के फ्लेक्स को बारीक बारीक काट देंगे और काटने के बाद इसे ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद हमने एक बाउल लेना है और स्ट्रेनर की मदद से हमने इसे ग्राइंडेड हुए हुए कोकोनट को छान लेना है। तो ये देखें, ये है हमारा कोकोनट मिल्क, जो कि हमारे स्किन के लिए, बालों की रेमेडीज में मोस्टली यूज होता है। तो वापस आते हैं लिप मास्क की तरफ, जिसमें हम ऐड करेंगे रोज पेटल पाउडर, यानी कि फूलों की पत्तियों का जो पाउडर हमने है वो इसमें यूज करना है। तो देन हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट मिल्क, जो कि अभी हमने आपके सामने तैयार किया है, 1 चम्मच हमने इसमें डालना है। और उसके बाद हम डालेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन से ज्यादा तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता लिप्स को पिंक रखने में और मॉइस्चराइज रखने में। देन हम इन तमाम चीज़ों को, तमाम इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। किसी भी, यानी कि बॉटल में, किसी भी चीज़ में, किसी जार में डालकर हम इसे सेव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने एक साफ क्रीम की डब्बी ली है, तो हम इसमें डाल सकते हैं। इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं है, 2 से 3 दिन के लिए आप इसे बनाकर रख सकते हैं, लेकिन फ्रिज में। तो इसे लगाना कैसे है, आपने पूरे लिप्स को कवर कर लेना है इस मास्क से कम 10 से 15 मिनट तक के लिए। तो आपने इसको पूरे लिप्स को कवर कर देना है और 15 मिनट के बाद आपने इसे वॉश आउट कर देना है या किसी टिश्यू की मदद से वाइप कर देना है। तो हमारा मेन और थर्ड स्टेप है लिप बाम। अगर आप पूरा प्रोसेस ना भी करना चाहें, जस्ट लिप बाम बना ले वो काफ़ी है आपका विंटर्स के लिए। आप इसे लिपस्टिक लगाने से पहले लगाएं, स्कूल जाते हुए लगाएं, तो ये बहुत ही सेफ और आपका ऑर्गेनिक है। जिसमें हम यूज़ करेंगे बीट रूट, मेन इंग्रेडिएंट बीट रूट। आपने फ्रेश लेना है, ना आपने इसका पाउडर लेना है, ना ही किसी और शक्ल में। तो ये आपको किसी वेजिटेबल शॉप से या किसी ग्रोसरी स्टोर से ईजीली मिल जाएगा। इसका जूस बनाने के लिए हमने लेना है एक ग्राइंडर और उसमें बीट रूट को बारीक बारीक काट लेना है। काटने के बाद हमने इसे सेफली ग्राइंड कर लेना है। जस्ट मैंने बीट रूट के स्लाइसेस को बारीक बारीक काट कर ग्राइंड कर लिया और इसे स्ट्रेनर की मदद से छान लिया। आप स्ट्रेनर के अलावा मलमल का कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइनली जूस निकल चुका है, मुझे जस्ट 1 टेबल स्पून ही चाहिए, वो हमारा हो चुका है। तो उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी बीज़वैक्स। बीज़वैक्स के बारे में भी आपको मजीद बताऊंगी। तो यहाँ मैंने डबल बॉयलर लिया है। तो डबल बॉयलर आपको बनाना मेरे ख्याल से इजीली आ जाएगा। उबलते हुए पानी में एक बाउल रखा और उसमें मैं ऐड कर दूंगी बीज वैक्स।
अगर आपको ये किसी स्टोर से ना मिले तो आप दराज.pk से मंगवा सकते हैं। ये मैंने वाइट बीज वैक्स यूज़ की और उसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल। देन मैं इसमें ऐड करूंगी 1 खाने का चम्मच बीट रूट जूस जो कि अभी फ्रेश आपके सामने हमने निकाला था, और इन तमाम इंग्रेडिएंट को कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए हम डबल बॉयलर पर इनको पकाएंगे। और अगर आप इसमें कोई टिंट यूज करना चाहें, कोई कलर यूज करना चाहें, आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑर्गेनिक बना रही हूँ तो मैंने इसमें कोई कलर ऐड नहीं किया। तो ये हमारा लिप बाम तैयार हो चुका है। किसी खाली कंटेनर में या लिप बाम की खाली डब्बी में आप इसे डालकर सेव कर सकते हैं। इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, यानी कि जब तक ये ख़त्म नहीं हो सकता आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये ड्राई हो चुका है मुकम्मल तौर पर, तो ये रेडी है यूज़ करने के लिए। तो बहुत ही मॉइस्चराइज करेगा आपकी लिप्स को, नरिश करेगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, दैट इज शमाइलाज डायरी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।